आई टेल यू अबाउट ट्रेंड्स इन फिटनेस, जो क्या विजन है मेरा, इट इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे एंड द सेम टाइम इट इज गेटिंग वर्स्ट ऑल्सो डे बाई डे. बेटर ऐसे ये जो सिनारियो आपके हिसाब से लगता है कि आजकल के फिटनेस का सिनारियो है यहाँ पे. हाँ ओके. तो बेटर इसलिए है कि हाँ लोग सीख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं. वर्स इसलिए हो रखा है कि एक तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं, नॉट एवरी वन, दे डोंट अपग्रेड देमसेल्फ. एक कोर्स कर लिया तो बस कर लिया. हाँ ऐसे मैंने बहुत देखा है. मैंने उनसे, मैं ट्रेनर से पूछता हूँ कि यार आपने ट्रेनिंग कब करी है. सर 4 साल पहले करी थी हमने. उसके बाद क्या सर, उसके बाद हमने रिन्यू नहीं करी, हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया और हमें आता है. आता है का क्या होता है, आपको तो लाइफ में कभी कुछ नहीं आ सकता जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे. एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, एजुकेशन हमेशा अपग्रेड करनी चाहिए आपको हर साल. मेरे को 27 ईयर्स लाइक हो जाएंगे एंड स्टिल एवरी डे मेरी 1 से 2 घंटे की इंटेंस स्टडी है और रोज कुछ ना, बिकॉज ये 27 साल होने के बाद आप ये कहना चाह रहे हो कि हर रोज आप पढ़ते हो, हर रोज आप लर्न करते हो. yes. हर रोज वही आप अप्लाई करते हो. वही मैं अप्लाई करता हूं. और जो लोग ऐसे नहीं करते तो आप उनको क्या बोलोगे भाई, कब तक टिकोगे अगर या तो फिर आप अपना शौक पूरा कर रहे हो या फिर इसको एक्चुअल कैरियर नहीं समझ, या तो फिर आप अपने आपको बेचना अच्छी तरह जानते हो. हाँ बेचना अच्छी तरह. और कब तक बेच पाओगे. सी इसमें क्या है, अब देखो सपोज लेट से कोई मेरे सामने आया, मैं उसको उल्लू बना के ये करके कर, लेकिन अगर मैं उसको उसकी ड्रीम फिगर नहीं दे पाया, 10 लोगों को बताएगा यार बकवास है, एक को मैं फ्री में भी करवा दूँ तो काम हो जाता है. तो लाइक आई डोंट मार्केट फॉर माई स्टूडियो, आई डोंट लाइक डू इंटेंस मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, सब माउथ कन्विंसिंग में बैचेज आर फुल. मेरे को वापस भेजना पड़ता है कि नहीं, आई एम नॉट कीन ऑन ओपनिंग मोर एंड मोर बैचेज, बिकॉज मेरे को वो यहाँ तक कि मेरे को कुछ लेडीज़ को वापस भेजना पड़ता है कि आपसे ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मैं मेरा क्या, वो पैसे दें कर, नहीं हो पता, नहीं हो पाएगा. वो कर भी तो सकती है ना आप उनको वो चीज. वो आई स्टार्ट देम विद एरोबिक्स एंड ज़ुम्बा लो इंटेंसिटी के, आप थोड़ा सा कर लो, जब हो जाएगा देन वी कैन स्टार्ट विद दिस. बिकॉज़ वरना कुछ लोग तो मैंने देखा ऐसे करते थे डायरेक्टली, यू नो आपको एक ऐसी क्लास में भेज देंगे और आप वहीं पे खत्म हो गए, नीचे गिर जाओगे. मैंने तो कुछ लोगों को प्यूक करते देखा. देखो प्यूकिंग का जो है ना, वो हम आ जाते हैं उसके बाद फिर क्रॉसफिट के ऊपर. क्रॉसफिट हर कोई बोलता है हम क्रॉसफिट भी कराते हैं, क्रॉसफिट दीवारों पे लिखा होता है कि हम क्रॉसफिट वर्कआउट कराते हैं. अब भैया अच्छे जरा क्रॉसफिट, अब क्रॉसफिट फंक्शनल HIIT बड़ा बहुत डिफरेंस है. क्रॉसफिट में आपके ओलंपिक मूवमेंट्स आ जाते हैं, स्नैच वगैरह आ जाता है और कैलिस्थेनिक्स आ जाता है. सो क्रॉसफिट इज टोटली डिफरेंट. क्रॉसफिट में AMRAPs चलते हैं, EMOTMs चलते हैं, तो वो वर्कआउट ही डिफरेंट है. एंड देन क्रॉसफिट को आप इज अ ब्रांड, इज अ ब्रांड. क्रॉसफिट को आप वो नहीं कह सकते कि यार मैं क्रॉसफिट वर्कआउट करवा रहा हूँ. यू कैन नॉट से दैट, इट्स बट वी कैन से फंक्शनल ट्रेनिंग. वी कैन से इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग. एंड देन फंक्शनल कह सकते हैं हम, फ्री ट्रेनिंग कह सकते हैं. बट यस उसका जो वर्कआउट होगा टोटली डिफरेंट होगा. ओके मैं आपको फंक्शनल ट्रेनिंग करा के दिखाऊंगा, मैं आपको HIIT करा के दिखाऊंगा, मैं आपको क्रॉसफिट करा के, तीनों में यू विल सी द मेजर डिफरेंस. You will see the major. There are few exercises जो CrossFit में चलती नहीं है. ओके लाइक माउंटेन क्लाइंबर्स और ये CrossFit में नहीं चलता नहीं होती है. हाँ बर्पीज चलते हैं, लेकिन अलग ही बर्पीज होते हैं. इधर बारबेल रखा, बारबेल पे यहाँ कूदे फिर बार उठाए, तो उनके स्टैंडर्ड्स अलग है. और ग्रेग ग्लासमैन वॉज द मैन हु स्टार्टेड CrossFit. ओके गैराजेस में उसने स्टार्ट किया था और देन फिर रीबॉक उसको पे ऑफ करता है. आप जहाँ सब कहते हैं कि रीबॉक का CrossFit है, रीबॉक पेज टू दिस ग्रेग ग्लासमैन टू रन द क्लासेस. तो ये है. और जो हम बात कर रहे थे ट्रेनर्स की, दे डोंट अपग्रेड देमसेल्फ. और दूसरा जो आजकल वर्कशॉप चली हुई हैं, आई मीन 3 घंटे के 4 घंटे की आप वर्कशॉप अटेंड करो, क्रैश कोर्स हो गए, तो वो आप बन गए. ऐसा नहीं होता, जो इंटेंस कोर्स होते हैं 3 महीने 6 महीने में जाकर लर्न होता है, उसमें आप सोचो कि आपको रोज पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है. एंड देन देर आर एग्जाम्स. ये नहीं कि आप बैठे हो और क्लास में घूम रहे हो और लास्ट में सर मेरा सर्टिफिकेट बस उसके बाद उन्होंने डालना है फेसबुक के कि आई एम सर्टिफाइड इन दिस एंड दैट एंड दैट. लेकिन उसकी एक टू अब स्टेरॉयड ले लेते हैं लड़के, ये लेते हैं, लेकिन यार ये जो तुमने लिया इंजेक्शन वो अंदर जाके करेगा क्या, उसका क्या रोल है. अच्छा ऐसे मैंने देखे काफ़ी अकेडमीज आजकल एक इन्फॉर्मेटिव क्लास अपने वर्कशॉप चला रही है जहाँ पे वो स्टेरॉइड्स के बारे में बताती है. क्या वो सही है या नहीं. देखो स्टेरॉइड के बारे में अवेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि अवेयरनेस के लिए बता रही है, लेकिन कुछ अकेडमीज उसको अपोज कर रही है कि यार आप अवेयरनेस नहीं बढ़ा रहे हो, आप लोगों को
लेना सिखा लेना सिखा रहे तो पर मेरे को लगता है कि यार अगर आपको बेवकूफ तो कोई भी बना सकता है, अगर आप वर्कशॉप्स हो रहे हैं और अगर आपको वो बता रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज गेन हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको नहीं लेना या लेना है, जो भी वो आपकी मर्जी है, समझ में तो आना चाहिए। देखो क्या होता है कि मैंने भी ऐसी वर्कशॉप अटेंड करी हुई है, जब सब वो सारा पूरा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद उस बंदे के पास सर एक साइकिल बना दोगे कटिंग का, बस यही होता है उसके बाद, बिकॉज वो इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है जो स्टेरॉयड का जो टॉपिक है, इट्स लाइक यू आर हैविंग केमिस्ट्री क्लास, इट्स लाइक केमिस्ट्री, तो वहाँ सो रहे होते थे झड़ कौन सा हार्मोन, कौन सा ये, कौन सा H2O काट के इंस्टॉल निकल के आ गया, वहाँ से निकल के ये आ गया होगा, तो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। हाँ वो सबको पता है कटिंग करना है तो ये चलाएंगे ये करना, बट यार वो कैसे अंदर काम क्या करते हैं, लॉक एंड की का क्या सिस्टम है, जो किस तरह से आपके सेल के अंदर जाता है, ताले खुलते हैं, साम्स आ चुके हैं आजकल, किसी बहुत कम लोगों को साम्स के बारे में मालूम, विच इज़ वेरी सेफेस्ट थिंग टू बिल्ड द बॉडी और लूज वेट एंड ऑल, तो वो अच्छा आ चुका है, तो वही ये लोग अपग्रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए। और फिर क्या इनका होता है, एक बंदे ने किसी लेडी का बाएँ जैसे तैसे करके फैट लॉस करवा दिया, अब वो बन गया उसका फॉर्मूला, वो हर एक पे वही यूज़ करेगा, वही ना, अगर आप अपग्रेडेड नहीं होते हो और आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते तो वो एक ही चीज़ आप 10 लोगों बोलो या 100 लोगों बोलो उसी पे यूज़ करोगे ना। यहाँ पे मैं यू कैन सी दिस लाइक बोर्ड्स पे लिखे हुए, तो यहाँ पे अगर कोई एक साल के लिए मेरे साथ वर्कआउट करता है तो वो 365 वर्कआउट करेगा, जिसमें से एक भी वर्कआउट रिपीट नहीं होगा, तो आप हर रोज नया वर्कआउट करा। आई डिज़ाइन माई ओन वर्कआउट, दिस इज द बुक जिसमें आप देख सकते हो कि सारे वर्कआउट मैंने खुद बनाया, आई डिज़ाइन ओन, मेरा कोई भी वर्कआउट आपको इंस्टा से या यूट्यूब से या कहीं से नहीं मिलेगा, आई डिज़ाइन, जैसे मेरे पूरे क्लासेज होते हैं सैटरडे रात को मैं बैठता हूँ। आप आज इतनी डिजाइनिंग कर पा रहे हो वर्कआउट्स की, तो उसको समझने में सीखने में कितने साल लगे? मैं बोलूँगा जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि इस फील्ड के बारे में पढ़ना लगा, तो मुझे 2001-2003 16 साल, तो 16 साल में आपने ये चीज़ आपको समझ में आई कि किसी के वर्कआउट उसके हिसाब से कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आजकल जो ट्रेनर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो तो यू नो एक साल में ये कहते हैं कि हम तो सब कर लेते हैं, मास्टर हमको 2 साल हो गया। और मत, और दूसरा क्या होता है कि देखो आप इंस्टा पे भी आप देखोगे ना, अ गाय हैविंग अ गुड बॉडी और एब्स एंड ऑल, दे ही हैज गॉट मैक्सिमम फॉलोअर्स। अब मैं हाँ इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि नो कि कोई अगर अच्छा बॉडी जिसकी होगी या अच्छा दिखता होगा, क्या वही अच्छा ट्रेनर है या नहीं? नहीं नहीं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो एक किसी अच्छे ट्रेनर को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे ट्रेनर को समझने के लिए सबसे पहले तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी रखोगे, आप यू हैव फुल राइट टू आस्क हिम, उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक इफ समबडी आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई फील सो हैप्पी, और मेरे लिए उस मेंबर की इज्जत बढ़ जाती है कि यार ये इंटरेस्टेड है फिटनेस में। मैं ये लूँगा अच्छा मेरे से पूछ रही है कितने साल हो गए, मुझसे पूछ रही है, नहीं पूछो यार मेरे को पूरा खोल डालो कि मैं मुझे कितना बाला। तो अगर अगर आप हमारे पास आके ज्वाइन कर रहे हो, मेरे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो भाई मेरे बारे में जानो और मेरे से सब कुछ पूछो पूछो जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे आप मत ज्वाइन करो। यस एंड एंड दिस क्लासेस आर सो इंटेंस यू वोंट बिलीव, जैसे मेंबर्स आते हैं कि हमें ट्रायल क्लास चाहिए, आई से ट्रायल क्लास मैं लूंगा, इफ आई सी दैट यू आर एबल टू डू दिस वर्कआउट देन ओनली आई मेक यू, आई मीन आई एम नॉट हर्टिंग देर ईगो की मुझसे नहीं हो, बिकॉज आई नो दैट शी विल इंजर हरसेल्फ, आज तक वर्कआउट नहीं किया, हाउ विल शी डू जम्प स्क्वाट, हाउ विल शी डू जम्प लंजेस, नाउ इट्स अ ग्रुप क्लास आई कैन नॉट, उसमें भी ग्रुप क्लास में भी मेरा क्या होता है कि जो 6 साल से आ रहे हैं वो इधर होते हैं, जिनको 6 महीने हो गए वो इधर हैं, जो बिल्कुल बिगिनर है वो मेरे सामने होते हैं, सो आई डिवाइड द क्लास इन दिस वे, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल देर आर सम केसेज विच इनमें बहुत ओबेस है लेडी, नीज प्रॉब्लम है और लोअर बैक की प्रॉब्लम है, तो मुझे बोलना पड़ता है कि ठीक है मैं आपको करवा दूंगा, लेट स्टार्ट विद द एरोबिक्स लो इंटेंसिटी वर्कआउट, द मोमेंट आपका 5-7 किलो वेट लूज हो जाएगा 100% में आपको, और ऐसा बहुत के साथ हुआ है, दे आर वेरी ईगर कि हम 3 महीने बाद हमने बॉडी स्कल्पटिंग में जाना ही जाना है, तो करती हैं, मुझे दिखाती हैं, प्रूव करती हैं कि देखो मैंने लूज़ किया, मैंने कहा ठीक है अब आप आ जाओ। अब मेरे को ये बताओ आप, आपका जो स्टूडियो है गेट फिट स्टूडियो द्वारका के अंदर इतना फेमस क्यों है, ऐसा क्या कराते हो? मैं रिजल्ट बहुत अच्छे दे देता हूँ, आई एम वेरी मतलब आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट, मुझे आप देखो तीन जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है ना या कोई ज्वाइन करने आती है, तो मैं बोलता हूँ किस लिए ज्वाइन कर रहे हो, मैं सर ऐसे, मैंने कहा ऐसे नहीं, मेक अ गोल, 3 ऑप्शन देता हूँ मैं, पहला ऑप्शन ये होगा आपके पास कि यार जैसा हम काम कर रहे हैं, जैसा लाइफ स्टाइल हमारा वैसे रहेगा, थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाएगा, वी वॉन्ट टू बी एक्टिव, द ईजिएस्ट पार्ट। सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड कि मुझे 10 किलो लूज करना, वो मैरिज होने वाली है मेरी वगैरह वगैरह, 10 किलो 12 किलो का दूसरा गोल। तीसरा द टफेस्ट गोल, सर ये है पिक्चर, ऐसी बॉडी चाहिए।
ओके बिकॉज आई हैव ट्रेन दिस फेमिना गर्ल्स ऑल्सो इन 2001 में, तो उसमें भी उसमें होता है कि तो फिर उसके लिए चलती है 24 आवर फिटनेस, सुबह से लेकर शाम रात के सोने तक वो मेंबर मेरे टच में होता है, क्या खाया अभी क्या खाया, इफ दे आर आउटसाइड डिटेल में लाइक देर आर मेनी एयर होस्टेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे होती हैं, तो वो सिर्फ 3 दिन वर्कआउट कर पाती हैं, तो बाकी दिन उनको मेरा वर्कआउट चला जाता है कि अपने होटल रूम में ये वर्कआउट करोगे. ओके दैट इज द थिंग आई एम माउथ कन्विंसिंग द रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पर, तो ये डू यही रीज़न है. सीरियसली इतने सारे स्टूडियोज खुले हैं यहाँ द्वारका में, आई मीन पता नहीं क्यों क्यों बंद हो गए, बंद तो कोई नहीं होना चाहिए. बंद इसलिए हुए ना क्योंकि आप देखो जुम्बा एरोबिक्स दूसरी चीज़ें योगा वगैरह हर जिम में चल रही हैं, ठीक है. अब यहाँ का यूएसपी ये है जो सब मुझे कहते भी हैं कि एक तो आप हो, जो यूएसपी है सर वो आप हो कि क्योंकि आप पर्सनलाइज यू नो प्लान्स बनाते हो सबके लिए यहाँ पे हर, और आप अगर किसी का गोल सेट भी नहीं है तो आप बताते हो कि आप अपना गोल सेट करो पहले. और यहाँ पे मैं हर एक लेडी का, अगर 100 लेडीज आ रही हैं तो 100 डाइट चार्ट्स हैं सबका अलग अलग. आई शो यू इतना बड़ा, मतलब इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है आपको? मैं बताता हूँ, ऊपर से 32 ऑनलाइन ट्रेनिंग सोते कब आप? सो जाता हूँ, सो लेता हूँ कि आपने अगले दिन क्योंकि आप यू नो पहले तो ये बताओ आपने इतनी अच्छी बॉडी कितने महीनों में बनाई है? महीनों में देखो मैं तो मेरा क्या एम रहा है ना, वो हर एक कोई अगर नहीं आजकल पता है ये सवाल बहुत ही कॉमन है, कितने महीनों में बनाई है कोई नहीं पूछता सालों को आजकल. देखो मेरा क्या हमेशा अपने जो मेरे ना हमेशा आई नेवर वेंट इनटू कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल बिकॉज अपना काम भी था स्टडीज़ भी थी और मैं 24 घंटे नहीं दे सकता था. मेरा क्या एम होता कि हर साल बेटर बॉडी बनानी है. इफ़ यू सी माय पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम 99 तो आप देखोगे बजाय कि यार अब तो एज होगी कम होने के मैं बढ़ता जा रहा हूँ. लाइक यू आर ऑन माई फेसबुक पेज तो आपने मेरी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखी, अब आप मेरी और देखोगे तो आई विल बी बेटर देन द 2018, तो 2020 में मेरी और बेटर होगी. अब उनको क्या बोलोगे जो आजकल के यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टीरॉयड लेके आप चाहते हैं कि हम 3 महीने में बना ले, इसलिए मैंने आपको बोला कि कितने महीने लगे आपको? नहीं, स्टीरॉयड मत, कितना टाइम लगता है आपको मसल गेन करने में? क्योंकि क्यों लगता है, कितना प्रोसेस, कितना लंबा पीरियड होता है? एक बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा. लेकिन उसका एक फ़ायदा, जैसे सब बोलते हैं कि मेरी बॉडी कभी जाती नहीं, जैसे कि यार आर्म्स का वर्कर तो आप चाय आधे कप इस हाथ से पी लो, आधा कप इस हाथ से पी लो, पंप. उसका रीज़न ये है अखिल कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली पैसे नहीं होते थे, सप्लीमेंट्स का एक क्रिएटिन होता था, कहीं से मैंने पैसे जोड़ के क्रिएटिन आ गया. तो रीज़न क्या था कि आई फॉर मेनी ईयर्स आई वॉज नेचुरल. पहले का तो मैं आपको एक बताता हूँ अपना, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था एक बहुत ही छोटे अखाड़े टाइप जिम से स्टार्ट किया था, तब पता प्रोटीन कैसे आता था? काले लिफाफे में, काले कपड़े में, ये देख. वही स्टेरॉइड, वो तब उसको वो स्टेरॉइड माना जाता था. तो आई वॉज सो नेचुरल, तो मतलब हमारा वर्कआउट हुआ उसके बाद राजेंद्र के ढाबा पे तंदूरी चिकन खा रहे हैं या फिर केले खा रहे हैं, तो इतना नेचुरल करा वो ना, इसलिए जो जाती नहीं. अदरवाइज स्टेरॉइड लेके तो मैं बंदे को 3 महीने बना तो दूंगा, बट द मोमेंट द स्टैक इज आउट ऑफ हिज बॉडी ऑफ फुस बलून की तरह, और फिर वो हैबिचुअल हो जाता है, उसके बिना उसे वेट नहीं लगता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी. इसीलिए मैंने आपसे पूछा टाइम कितना लगाया आपने, और आपको यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके मसल्स है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कितने मसल्स बढ़, कितने मसल गेन होता है यू नो आपके हिसाब से नॉर्मली एक साल के अंदर? एक साल के अंदर एक तो थोड़ा सा हमारा जीन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेम रिस्पॉन्सिबल, कोई एंडोमॉर्फिक होगा. अगर मैं बात करूँ उन्होंने एवरेज, अगर हम सब बंदों को मिला दे जाए तो कितना? अगर वो नेचुरल सिर्फ एक प्रोटीन लेगा, एक अमाइनोज ले लिया, या थोड़ा सा इधर उधर के सप्लीमेंट ले लिया, बस बेसिक सप्लीमेंट यही है, एक मल्टीवाइटामिन, एक वे प्रोटीन या ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो, दीज आर द बेसिक वाइटामिन. इसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी ने तो बनाने ही बनाने हैं. एक वे क्या है, हर कोई बोलता है मेरा वे ऐसा, वे प्रोटीन सेम है बाबा, सारे सब सेम है, उसमें कुछ जिसका महंगा आता है उसकी गुडविल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, उसने अपना ब्रांड बनाया. हाँ, तो मेरे हिसाब से अच्छा. दूसरा क्या होता है कि जैसे हर एक की बॉडी का ना एक एसेट होता है, बेस्ट पार्ट, जैसे मेरा है आर्म्स एंड चेस्ट. किसी की बैक बहुत अच्छी होती है, तो व्हेन द पर्सन विल स्टार्ट ट्रेनिंग ना, तो 4 मंथ्स में ना उसको पता चल जाएगा यार कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा दिख रहा है. ये अपनी बॉडी को समझना एक सबसे टफेस्ट चीज है. अपनी बॉडी समझ में आ गई, अपना डाइट पैटर्न समझ में आ गया कि क्या आपको लगता है क्या करना, तो देन आपको फिटनेस समझ में आ गई. जब अपना समझ जाओगे फिर दूसरों की समझने की कोशिश करना कि उसको कैसे, तो जब दूसरों को समझ जाओगे देन यू हैव अचीव्ड अ लेवल. मैंने ये चीज बहुत देखी है, लोग अपना तो समझ नहीं पाते, दूसरों को समझाने चलते हैं, दूसरों को समझाने नहीं देते.
चलो ज़्यादा नहीं हंसेंगे आपको, आप चलो जाते जाते इस वीडियो के एंड में ना, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका विजन क्या है, आप इस इंडस्ट्री को अपना यू नो आप जो आपका बिलीफ है लाइफ में, वो आप क्या बिलीफ अपना देना चाहते हो लाइफ में आगे? आई वुड से कि जस्ट मेक इट एज योर लाइफ स्टाइल। इस वर्कआउट को जिम जाने को एक वो मत समझो कि यार ये भी एक काम है, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसको पार्ट बना लो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हेडेक। जिस दिन आप क्या होता है कि हम ना एक्सक्यूज ढूंढने लग जाते हैं, नहीं यार आज शाम को ना वो आने वाले हैं, नहीं आज नहीं जा पाऊंगा, तो वो एक्सक्यूज है खुद से ही। एक तो मौसम भी बहुत सारे होते हैं, हाँ कन्विंसिंग यार आज बारिश होगी आज रहने देते, तो अपने आप को ना कन्विंस कर रहे हैं। जिस दिन घर में कोई गेस्ट आएगा उसको बोलोगे यार तू मेरे को थोड़ा सा काम है और आप एक घंटा वर्कआउट करके आ जाओगे ना, तब वो आप फिटनेस लेवल अचीव करोगे। तो मेक योर दैट इट इज ए पार्ट और यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश। और इसमें ऑफ सीजन क्या होता है? कोई ऑफ सीजन नहीं होता नहीं मैं अब एक्चुअली मैं जिम के लोगों का सुनता हूँ ना, जो ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सॉरी मेंबर्स नहीं, जो मैनेजमेंट होता है उनका ये कहते हैं सर अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर हमारा सीजन है, उसके बाद हमारा सीजन थोड़ा जनवरी में आता है, बाकी सारा हमारा ऑफ सीजन है। नहीं ऐसा ऑफ सीजन क्यों होता है फिटनेस के अंदर? यार देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसने फिटनेस लाइन बना ली हुई है आपको फिटनेस करनी, उसके लिए तो कोई ब्रेक डे है ही नहीं है, वो तो संडे को भी जाके वर्कआउट कर गए, तो उसके लिए कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे इतनी सारी लेडीज आ रही है, बच्चे का एग्जाम है उसको बिठा कर आती है और एक घंटा वर्कआउट करके निकल जाती है, कोई गेस्ट आ गया हो तो अटेंड करके रात की क्लास में आ जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जिसने करना है वो करें, जिन्होंने छुट्टियां मनाने जाना है वो मनाएंगे मनाएंगे, जिन्होंने कहना कि यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई या बीमार ना पड़ जाए वो छुट्टियां मारेंगे, तो इसलिए उनका ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन हो जाता है कि हाँ एग्जाम के दिनों में मेंबर्स कम हो गए और फिर छुट्टियों में थोड़े से और कम फिर बढ़ गए। अब वही अगर किसी के एग्जाम्स होते हैं तो क्या वर्कआउट करने से उनके एग्जाम्स खराब हो जाते हैं? नहीं भाई मेरे तो हिसाब से उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा जो हमारे जो हाँ हमारे पेरेंट्स मैं बताता हूँ पेरेंट्स की मेंटेलिटी कि आप अब तेरे एग्जाम्स आ गए जिम विम बंद कर दे, अगर तो जिम विम जाएगा तो तेरे से पढ़ाई नहीं होगी। ये तो मैं इस चीज़ को बहुत भुगत चुका हूँ, दिस इज एवरीवन इवन के अब बस कर विक्की अब बहुत हो गया। मैंने कहा मम्मी मुझे सिर्फ एक रीज़न बता दो कि किस लिए बस करूँ, मैं बस कर दूँगा। नहीं क्यों बस कर दूं, मतलब मैं यार मैं कोई क्लब्स नहीं जा रहा, मैं कोई बाहर ड्रिंक्स नहीं ले रहा, मैं जा सकते ना मंसी ने जा सकते ड्रिंक भी कर सकते गलत है बट मैं अपने हेल्थ के लिए जा रहा हूँ तो इट्स ए गुड थिंग। मतलब अगर आपका बच्चा या कोई भी बहन भाई जिम जा रहे हैं तो वो सोशलाइजिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर देयर हेल्थ, अपना फ्यूचर बेटर कर रहे हैं। चलो अगर थोड़ा सोशलाइजिंग भी हो गई तो थोड़ा अपना स्ट्रेस ही अलग हो जाएगा ना, पढ़ पढ़ के इतना परेशान हो जाते हो तो थोड़ा स्ट्रेस अल्टीमेटली क्या है, हम अपना स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं जिम के अंदर, यू नो स्ट्रेस दिस इज द बेस्ट रेसिपी फॉलो है ना। मैं कई बार बहुत स्ट्रेस में हो जाता हूँ, कभी काम दूसरे बिजनेस को लेकर या कभी किसी बात का गुस्सा आ गया, बट द मोमेंट आई एम एंटरिंग द 4-5 सेट के बाद आई एम फील सो फ्रेश एंड लाइटर एंड द होल डे आई फील एनर्जेटिक। अब यहाँ पे जो लेडीज हैं काफ़ी ऐसी लेडीज हैं, कम से कम 15 ऐसी, जब जिस दिन स्टूडियो का फर्स्ट डे था वो अभी तक आ रही हैं, तो उनके लिए ऐसा हो गया कि इफ दे मिस द क्लास द होल डे दे फील डल। ओके तो हर वीडियो के एंड में मैं अब यही बोलता हूँ सबको, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर बॉडी, बी गेट फिट एंड जॉइन गेट फिट एंड सी हाउ आई मेक यू फिट। ओके आई मीन जस्ट लिव योर पैशन, दिस इज योर ओनली लाइफ, लिव योर लाइफ एंड यार बाहर निकलो, फिटनेस पे ध्यान दो और यू नो मजे करो। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम एंड हेल्प अदर टू वॉच दिस वीडियो, आई होप किसी को ना किसी को तो हेल्प मिली जाएगी। थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और बेल को घंटी दबा दी, बेल जरूर बजाएं, बेल बजाना बहुत जरूरी है। और प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें, कॉमेंट करोगे तभी मैं अपने आपको अच्छा बना सकता हूँ और आपको वो चीज़ दिखा सकता हूँ कि यू नो जो आप जो चीज़ आपके लिए सही है। थैंक यू गाइज, लव यू और अपना ख्याल रखो, टेक केयर।